मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। सीएम योगी बोले, आज का दिन ऐतिहासिक। 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के दो केस आए सामने। कर्नाटक में मिले ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। अयोध्या को बम से उड़ाने की मिली धमकी। अहमदाबाद से अज्ञात युवक ने दी धमकी। खुफिया संगठनों ने जांच की शुरू। प्रदूषण पर केंद्र और राज्य को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। केंद्र और राज्य को फटकार, कहा 24 घंटे में उठाए कदम। दिल्ली लाइव के प्रायोजक आयुर्वेदिक कायम चूर्ण कब्ज की कर दे छुट्टी, अब टेबलेट में भी उपलब्ध। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम, दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने अभियांत्रिकी विभाग भवन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में स्थायी समिति के अध्यक्ष बीर सिंह पवार भी मौजूद थे। तो वहीं बैठक में महापौर ने कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के तहत पूर्वी दिल्ली में खुल रहे शराब के ठेके नियमानुसार खोले जाएं। वहीं नेटवर्क 10 की संवाददाता यूनुस खान ने पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल से खास बातचीत की। दिल्ली में आबकारी शराब नीति के खिलाफ दिल्ली में जिस तरह से जगह जगह शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने अब एक कमेटी बनाकर एक जांच बैठाई है। वो जिस तरह से जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं उन बिल्डिंगों की जांच होगी, किस तरह से होगी, हमारे साथ हैं मेयर साहब, हम इनसे बात करते हैं कि दिल्ली में बैठी सरकार दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में डुबो देना चाहती है। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति के घर तक शराब पहुँचे, गली में शराब पहुँचे, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत दुखी है। धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, RW है या अन्य माध्यमों से लोग धरने में बैठे हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब के ठेके खुले। पूर्वी दिल्ली नगर निगम इन शराब के ठेकों पर लगाम लगाने के वचनबद्ध है। उसी के तहत हमने अधिकारियों को कहा है कि यदि कोई ठेका उसकी बिल्डिंग नियम के विरुद्ध है, उसको निगम में बुक किया गया है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उसका कन्वेयर चार्ज चेक कराना चाहिए। यदि वो मिक्स लैंड यूज में खुल रही है तो मिक्स लैंड यूज में मैं आपको बता दूं कि शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता, तो उसको तुरंत सील करना चाहिए। हम अलग अलग ढंग से जो नियम के कायदे कानून उसके से जाँच करेंगे, अनियमितता पाई गई तो हम उसको तुरंत सील करवाएंगे। कन्वेयर चार्ज जमा नहीं किया, हाउस चेक जमा नहीं किया, मिक्स लैंड में तो नहीं है, रहायशी क्षेत्र में थे, इनकी जांच की रिपोर्ट आए उसके अंदर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से दिल्ली में जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं VJP खुलकर इसका विरोध तो कर रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी अब एक आदेश निकला है जहां पे शराब के ठेके खोले जा रहे हैं MCD के द्वारा। अब उन बिल्डिंगों की जाँच होगी, क्या उसने हाउस टैक्स जमा किया है या नहीं किया है, या वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में बुक है तो प्रॉपर्टी तो उसको सील किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी, नेटवर्क 10 दिल्ली। तो वही सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। तो दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने स्कूलों को बंद किए जाने की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदूषण के स्तर के चलते दिल्ली के सभी स्कूल कल से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दरअसल प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई जिसमें स्कूलों के खुले होने का मुद्दा उठा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि प्रदूषण के बीच स्कूलों को क्यों खोल दिया गया। तो वही साउथ दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए सनी कट्टा गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस ने इनके पास से 20 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषभ, विक्रम, मोहम्मद सलमान और नूर मलिक के रूप में की गई है। चारों आरोपी दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
तो वही पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर अलका शर्मा ने बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए अलका शर्मा ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कोरोना की रोकथाम के लिए बेहतर काम किया है। सैनिटाइजेशन के अलावा निगम के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था की। इसके साथ ही कोरोना से मरने वाले लोगों के दाह संस्कार और दफनाने के लिए विशेष तौर से इंतजाम किए गए। इस साल डेंगू के मामले ज्यादा सामने आए हैं, जिसकी वजह से लोगों की समस्या बढ़ गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम में पूरी तरह से जुटा हुआ है। बता दें कि इस साल डेंगू के 786 मामले सामने आए। देखिए, जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने इस साल भी नए काम किए, जैसे ड्रोन से किया हमने, जेटिंग मशीन लगाई। अगले साल के लिए ये सब तो होगा, जो नॉर्मल हो रहा है, हम लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाने के लिए हम RWA को इन्वॉल्व करेंगे कि वो अपने जो गेटेड कम्युनिटी है उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वहाँ वेक्टर बॉर्न डिजीजेज ना हो। उनको दवाइयाँ जो अब उपलब्ध करानी होंगी या होगी वो हम कराएंगे। तो वही दिल्ली की ख्याला थाना पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो ATM हैक कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। दरअसल अवैध रूप से ATM हैक कर 29,40,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की गई थी, लेकिन ये रकम किसके पास गई इसकी कोई जानकारी नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को एक वाहन मिला जिसके जरिए असली अपराधी तक पहुंचा गया। पुलिस को अपराधी के पास से एक स्कूटी, 4 फोन और कुछ डिवाइस मिले। साथ ही उसके खाते से 83,000 रुपए भी बरामद हुए हैं, जिसे सीज कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अच्छी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बढ़ेगा मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है बुलेटिन में। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया है क्योंकि सुबह से ही हवा के अंदर नमी देखने को मिल रही है, साथ ही धीमी धीमी बारिश भी हो रही है। हालांकि दोपहर 2 बजे के आसपास बारिश तेज हो गई और ऐसे में दिल्ली की ठंड बढ़ने के आसार हैं, तो साथ ही प्रदूषण की स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। समय की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय हो रहा है और ऐसे में दिल्ली के अंदर आप पीछे देखेंगे, मैं ऑटो को दिखाना चाहूँगा, देखिए वाइपर यहाँ पर स्टार्ट है क्योंकि बारिश की वजह से शीशे पर साफ नहीं नज़र आ रहा। ऐसे में लोगों ने अपना वाइपर का भी यूज़ लेना स्टार्ट कर दिया है। और दिल्ली में AQI लेवल की अगर बात की जाए तो दिल्ली में AQI लेवल अभी भी 300 पार है, तो ऐसे में संभावना ज़रूर बनी हुई है कि दिल्ली के अंदर ठंड और बढ़ सकती है और पोल्यूशन के अंदर भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। कैमरामैन जतिन के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। सर एक्चुअली मौसम तो दिल्ली का अच्छा हो गया, सुहावना हो गया, मौसम खुल गया, पहले से जो पोल्यूशन था वो थोड़ा कम हो गया है और लेकिन ठंड बढ़ गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है धीमी धीमी जिससे ठंडी हवा चल रही है। नहीं, पोल्यूशन पर तो इसका इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा क्योंकि बूंदों से जो धूल है वो दब जाती है और दबने से पोल्यूशन का इफेक्ट कुछ कम होता है। हालांकि दिल्ली की जो IQ है, मतलब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बहुत ज़्यादा जा रहा है जिसके कारण ऑफिस, स्कूल हैं सब बंद चल रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बारिश और ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेटर मौसम हो जाएगा। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में साइबर थाने की शुरुआत की गई, जहां पीड़ित साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, जिसका उद्घाटन पूर्वी दिल्ली DCP प्रियंका कश्यप ने रिबन काटकर किया। इस दौरान पूर्वी दिल्ली की DCP प्रियंका कश्यप ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की पहल पर दिल्ली के हर जिले में पहली बार अलग से साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। साइबर अपराधों से जुड़ी तमाम शिकायतों पर अब साइबर पुलिस स्टेशन का स्टाफ ही कार्रवाई करेगा। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलने वाली शिकायतों की जांच इन थानों का स्टाफ करेगा। सभी जिलों में 1 दिसंबर से साइबर पुलिस स्टेशन शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। किस जिले का साइबर पुलिस स्टेशन जिले के किस थाने की बिल्डिंग से ऑपरेट करेगा, इसके बारे में भी पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन थानों में साइबर पुलिस स्टेशन के स्टाफ के बैठने और काम करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराया जा रहा है। Yes,
साइबर क्राइम के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, एक डेडिकेटेड फोकस्ड अप्रोच के तहत, जैसे कि हमारे सीपी साहब ने हमारे निर्देश दिए हैं, वी हैव टेकन इट अप और कल हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा सेटअप पूरा है, सभी सिस्टम्स इन प्लेस हैं, इक्विपमेंट्स दिए गए हैं स्पेशल, एंड ट्रेंड मैन पावर है यहाँ पर, ट्रेंड आईओस है। मैम, किस तरीके की शिकायत लेकर यहाँ पर कोई भी फरियादी पहुँच सकता है? जैसे कि साइबर क्राइम में हमने देखा है कि फिशिंग काफ़ी होती है, स्पैमिंग रहती है, फेक आईडीज बनते हैं फेसबुक पर, जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी फेक प्रोफाइलिंग करके लोगों के मिसयूज होते हैं प्रोफाइल, हमारे तो दिल्ली में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। चोरों ने अलीपुर में पुलिस थाने से कुछ ऐसे ही दूरी पर एक मकान से 10 से 12 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस परिवार को आश्वासन दे रही है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। बता दें कि सीसीटीवी में चोरों की तस्वीर साफ नजर आ रही, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उन्हें अब तक पकड़ नहीं करवा सकता। हाँ जी, मेरे कमरे से भी सर बहुत कुछ चोरी हो गया। मेरा पूरा गोल्ड है, जो भी ज्वेलरी थी, गोल्ड का मंगलसूत्र पायल और चांदी में भी थी ज्वेलरी मेरे पास, मेरा कैश भी था, सब ले गए वो। अलीपुर थाने के पास, आपको बता दें कि थाने के कुछ ही दूरी पर, आपको बता दें कि देर रात चोरों के हौसले बुलंद, ऐसे में आपको बता दें कि देर रात के समय चोर आए थे, जिसमें कि एक घर से 10 से 12 लाख का जो ज्वेलरी जो सामान है वो चुरा कर के ले गए। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो परिवार है वो किसी निजी काम से बाहर गया हुआ था, जिसका जो फ़ायदा है वो सरासर चोरों ने उठाया। ऐसे में पीड़ित परिवार का कहना है कि 28 तारीख की रात की घटना आई है, हमने पास ही के सीसीटीवी लगे हुए थे जिसमें हमने चोरों को देखा, चोर जो है खाली हाथ इस मकान की तरफ आए थे और हाथ में जाते वक्त दो बैग लेकर गए थे। तो ऐसे में जो परिवार हैं वो इस मकान में तीन परिवार रहते हैं, जिनका जो पूरा सामान है, जो पूरी ज्वेलरी है, वो सभी वो चुरा कर ले गए। ऐसे में परिवार लगातार पुलिस से गुहार कर रहा है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए और हमें इंसाफ मिला जाए। तो परिवार का लगातार आरोप है कि पुलिस केवल उसी दिन आई थी जो हमसे बातचीत करने के पूछताछ के लिए, लेकिन उसके बाद पुलिस केवल आश्वासन नहीं दे रही है, जो लगातार जो चोर है उसको नहीं पकड़ा जा रहा। दिल्ली से नेटवर्क 10 के लिए दूषण की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अरे भाई, कब्ज का असर चेहरे पे साफ दिखता है, शेलो का एब्जोर्ब, इसमें 40 साल का भरोसा है जो पेट को साफ करे एक ही रात में, और ये 100% आयुर्वेदिक है। कायम चूर्ण के साथ
पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। किसका देखो तो बाबू? हेलो कौन? नमस्कार मैडम जी, हम दास। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास। गंदे नटखट आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। बड़ी याद आ रही है उसकी। और लंबा प्रोग्राम बनाया इस बार, आपके बच्चे को खूब बिगाड़ेंगे। मतलब उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। जितनी परेशानी दे सके दे कर जाएंगे। इसको तो 10 शुरू हो गए हैं। दस्त ऐसे बता कर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना, और हाँ साथ में जिंक भी देना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। तो दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS है ना। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी रूल्स तोड़ने से गेम ही बदल जाता है। 20 साल पहले कौन सोच सकता था शादी के रिश्ते इंटरनेट पे भी हो सकते हैं। सही आइडिया, सही मौका, गेम बदल सकता है। मिलिए शार्क अनुपम मित्तल से। अपग्रेड प्रेजेंट्स शार्क टैंक इंडिया, को पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट। 20 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी। सोसाइटी की मानो तो औरतों को हमेशा ओबरे के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में पुलिस ने नॉर्थ द्वारका थाना में साइबर क्राइम के लिए अलग से थाना स्थापित किया है। इसका मकसद बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम कसना और जांच में तेजी लाना। वर्तमान समय में इसमें 4 पदों पर पोस्टिंग होगी। अधिकारी ने बताया कि यहाँ साइबर क्राइम से जुड़े मामले पंजीकृत होंगे, साथ ही साइबर सेल की विशेष टीम तैनात होगी। बता दें कि इस थाने की स्थापना वर्तमान पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के निर्देश पर की गई है। वहीं DCP शंकर चौधरी ने इसे सुरक्षा में एक और मजबूत कदम बताया। बाकी कोलिग्स का, मीडिया कर्मियों का आज के डीसी साहब द्वारा किए गए साइबर पुलिस स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। DCP साहब ने अपना अमूल्य टाइम निकाल कर हमें गाइड भी किया और नए पुलिस स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर हमें ब्लेसिंग्स भी दी। DCP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से बड़ा वादा किया है। केजरीवाल ने पठानकोट में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में आप पार्टी की सरकार आई तो पंजाब के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। वहीं शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां
दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा, सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50-80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्च?